मुखिया जी ऐसी बनावे ना तो हम निकल ना के नाली बना के वहीं तक छोड़ देला तो पानी कैसे बहेगा। तो वो बोले कि हम बंजारी में काट के अथी निकालेंगे नाला और पुल भावरा पार करेंगे। तो हम निकल के ठीक है। तो फिर जब हम कहे कि इधर पानी निकालबा तो हम के घर डूबत हम निकाले ना देबुआ। तो कहले कि नहीं निकालेंगे हम वैसे पानी निकालेंगे। जब मुखिया जब यहाँ दो बार यहाँ पर कोड़ाई लगला हम रोक लगा ली कि ना कोड़ देबुआ कोड़ देबुआ कब की जब नाला बनेबा तब। तो बोला कि ना से नाला हम बनाएंगे ना अभी नहीं बनाएंगे फिलहाल ने सब नहीं बनाएंगे। दो बार दरवाजा में मुखिया का तीन बार जाकर लड़ाई कर ली। मुखिया ना सुनल भेड़ुआ दो गलवा को एकदम चांद छोड़ा लेबे कुतवा के ना सुन ला के आवाज जब खुले था बसा तो भुया फुट के घर डुबाई तो हमने कहा जा बहुत आदमी के बिल्डिंग डूबे थे हमने भुया फुट के झोपड़ी ना डुबाए थे। पहले पानी कैसे बहता था? पहले दादा बापल से तो घर ऐसे जान लाई जब नली नहीं बनल था तो समय पानी पता तो समय दिक्कत नहीं था। रेलवे का खुला था ना सर। रेलवे वाला बाउंड्री नहीं मारा था जल मत ना नाला बन के पानी चल जाता था। अब तो बाउंड्री मारा गया पानी जाके इस सोने पानी नहीं जा गिर रहा ना हम लोग को घर में चल के देख लीजिए आगे बढ़ के अब ये जो पानी जो गिर रहा है इस सोने नहीं जाएगा पानी ना ना बनाइएगा तब ना जाएगा बनाइएगा तब ना जाएगा नली में हम नहीं बनाएगा तो नली में जाएगा कहाँ से। मुखिया जी क्या कह रहे हैं? मुखिया सुन रहा है मुखिया तो घर में लुका जाता है उसको ऑटो जा छुआ जाएगा मार वो झपुरवा धर के। आइए इधर यहाँ जाइए यहाँ जाइए यहाँ जब जो नाली बना नाला इसके साथ में होम पाइप भी है। अच्छा इसके साथ में लेकिन जो नाला बना वहीं तक छोड़ दिया बाकी नाला होम पाइप नहीं डाला इसमें। मतलब टेंडर में था योजना में था योजना में है आज भी योजना जो तो जब योजना के अंतर्गत काम नहीं हुआ तो आप लोग कहीं कम्प्लेन की है? कम्प्लेन ये मुखिया से बोले रोजगार सेवक से हम लोग बोले कि क्या सर इसी जगह तक है कि होम पाइप भी उसमें क्यों नहीं बनाए आप? तो नहीं जितना दूर बनाया उतना दूर का एस्टिमेट बना कम पैसा निकाल लिया। उसका पेपर है और उसका नंबर है तो लाइए कॉल कीजिए उनको। उसका जो नेम प्लेट लगाया जो योजना आया था उसका पेपर होगा ना कहाँ तक पैसा निकाले हैं वो? जैसे पेपर नहीं है सर जो प्लेट लगाया हुआ है जो नेम प्लेट उसमें दर्शाया हुआ है कि उधर से पानी होते हुए भुया टोला नाला निर्माण एवं होम पाइप का निर्माण योजना में लिखा हुआ है जी। लेकिन होम पाइप का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया सिर्फ नाला बना के छोड़ दिया गया। कहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है? जहाँ जो मनोज गुप्ता के घर के पास। मनोज गुप्ता घर के पास जी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इसमें होम पाइप या नाला का निर्माण हो बाकी पानी निकले का सुविधा दे तब हमने कोई दिक्कत ना है। जब पानी का सुविधा ना तो हम पानी खोलते हैं उस तरह से आप देख लीजिए अब वहाँ से पानी जाएगा तो बस रिटर्न में सब इधर मतलब घर में पानी जाएगा। घर में रिटर्न में तो पता है सर कि हमने गरीबी तो नर के खाए वाला ही। चलिए हम देखते हैं भेरू से ठीक है हाईकोर्ट में भी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत यहाँ पर हो रहा है? दिक्कत है कि कोचाड़ पंचायत के केशव मेला के भुइया टोली के पास यह एक मोहल्ला है बंजारी गेट के पास जो पूरी मोहल्ला पानी से डूबा हुआ है जिसका कारण है कि मुखिया यहाँ तक नाली बनाकर माटी भर के छोड़ दिया है। ये नाली बना हुआ है इसका मुंह बंद कर दिया पूरा मेला का पानी यहाँ पर आके गिरता है। ये मोहल्ला का पानी रोड के द्वारा पाइप दिया हुआ है करीब लगभग 50 वर्ष ऊपर का पाइप दिया हुआ है। आगे में जाके अनऑथराइज बसा हुआ भुइया टोली के लोग उसको होम पाइप को वहां बंद कर दिया है जिसके कारण यहाँ पे पूरे मोहल्ला पानी से देखिए भरा हुआ है। एक आदमी देखिए वहाँ पानी में है कैमरा के पास है मोटरसाइकिल देखिए आता है मोटरसाइकिल देखिए पूरा पानी में डूबते हुए आता है। अच्छा। आज नहीं जब तक पानी पड़ता है तब तक यही समस्या होती है। यह देखिए मोटरसाइकिल क्या स्थिति है महिलाएं कपड़ा उठा कर जाती हैं क्या स्थिति बना हुआ है यहाँ इस मोहल्ले का। इस समस्या कब से है? यह समस्या जब जब वर्षा होती है ये नली बनी है करीब 5-6 महीना हो चुका है बनने के बाद पहली बरसात से मुलाकात हुआ इस मोहल्ले को। अच्छा। और जब से बना है ये नाली का कोई उपयोग नहीं है। इस नाली का बनाने का निर्माण था कि मेला से लेकर के भुइया टोली पार कर देंगे क्योंकि पूरी पैसे क्या उगाही कर चुका है अब आधे पर नाली छोड़ करके पूरे पैसे को भंजा लिया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है इसमें और मुखिया के पास जाते हैं जनता यहाँ से तो मुखिया घर में जाकर लुका जाता है। अच्छा। यह समस्या आज नहीं जब तक यह स्थिति रहेगी पूरी की पूरी बरसात में यहाँ के लोग डूबे रहेंगे।
जब ये नाली नहीं बनी थी तब पानी कैसे बहता था? नाली थी यहाँ पे रोड में ऑलरेडी पानी दिया, नली दिया हुआ है, उस नाली के माध्यम से रोड पार होकर भुइयां टोली होते सुन जाती थी। पहले प्रॉब्लम नहीं था उन लोग को? पहले कोई दिक्कत नहीं था। अब दिक्कत हो गया कि यहाँ तक नाली बनाकर मुखिया छोड़ दिया, तो वहाँ तक क्यों नहीं बनाया? मामला कल भी वही था, मगर आज प्रॉब्लम है कि तुम आधे पर नाली लाके छोड़ दिए हो, पूरा नाली क्यों नहीं बनाया? ये पूरी लोगों को समस्या उत्पन्न हो गया है। अभी जो पानी काटने के लिए है, आपने अभी देखा कि पूरी भुइयां टोली में अतिक्रमण से भरा हुआ है, अतिक्रमण करके पूरे नाली को जाम कर दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों का? मांग यहाँ पर है कि हम लोग अभी सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब मोबाइल से बात होने के बाद बोलते हम हाईकोर्ट में है।